बड़वानी लाइव, सटीक खबर, ताजा खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़वानी लाइव में हेमंत गर्ग। बड़वानी लाइव में आपका स्वागत है। बड़वानी लाइव लगातार कोरोना के आंकड़ों से आपको अपडेट कराता रहा है। स्वस्थ हुए लोगों की अगर हम बात करें तो कल 100 से अधिक लोग स्वस्थ होकर अपने घर लौटे थे। जिले में आज 57 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बड़वानी जिले में अगर हम बात करते हैं पानसमल ब्लॉक की तो यहाँ पर 11 लोग, खेतिया ब्लॉक की तो यहाँ पर एक व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बड़वानी ब्लॉक की बात करें तो इसमें 13 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। निवाली में एक व्यक्ति की, सिलावद में 2 लोगों की, राजपुर में 10 लोगों की। ठीकरी ब्लॉक की बात करें तो 16 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं अंजड़ में यह आंकड़ा घट के सिर्फ एक व्यक्ति तक सिमट गया है। सेंधवा की हम बात करें तो एक बहुत अच्छी बात ये लगातार घटते बढ़ते आंकड़ों के बीच सेंधवा में फिर ये आंकड़ा शहर में शून्य हो चुका है। सिर्फ सेंधवा ब्लॉक के ग्रामीण अंचलों में 2 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। बड़वानी जिले में अगर हम बात करते हैं 7,900 से अधिक लोगों की अब तक कुल कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसमें से लगभग 6600 लोग अब तक स्वस्थ होकर के अपने घर जा चुके हैं, जिनको डिस्चार्ज किया जा चुका है। जिले में अगर हम एक्टिव केसेस की बात करें तो ये आंकड़ा भी 1200 के लगभग है। हम एक बार फिर बता दें आपको कि एक्टिव केसेस की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। इस समय 1200 लोगों का उपचार जारी है। ऐसे में अभी भी अलर्ट रहने की ज़रूरत है, अभी भी सावधान रहने की ज़रूरत है। हम आपसे लगातार अपील करते हैं, मास्क को नहीं भूलें, सैनिटाइजर को नहीं भूलना है, सोशल डिस्टेंस का पालन हमेशा आपको करना है। और अभी बड़े आयोजनों को जैसे कि अनुमति नहीं दी गई है, इसलिए कृपया अनावश्यक होने पर घरों से नहीं निकलें और अपनी बारी आने पर वैक्सीनेशन जरूर कराएँ।